वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंस्टाग्राम बार बार क्रैश हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, एंड अगर किसी वजह से ओपन हो भी जाए तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा एंड देन मिनिमाइज हो जाता है। मैंने इस प्रॉब्लम को पर्सनली फेस किया है एंड मैंने इसको रिजॉल्व किया है कुछ टाइम पहले, तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो आपका इंटरनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वाईफाई का हो या आपको खुद का इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वीक इंटरनेट की वजह से इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम सर्च करना है। एंड यहाँ पर जाने के बाद आपने अपने इंस्टाग्राम की ऐप को अपडेट कर लेना, क्योंकि किसी अपडेट की वजह से इंस्टाग्राम जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही आप इसको करेंगे आपका इंस्टाग्राम जो है वो डेफिनेटली चलने लगेगा। लेकिन कुछ और टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपने इंस्टाग्राम के ऐप के ऊपर होल्ड करके प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इन्फो का। आप जैसे ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड कैशी का, ठीक है। एंड आपने क्या करना है कि यहाँ पर चले जाने के बाद आपने अपनी कैशी को, जो आपकी स्टोरेज होगी इंस्टाग्राम की कैशी मेमोरी, उनको आपने यहाँ से क्लियर कर देना है, क्योंकि इससे भी आपका इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपका इंस्टाग्राम जो है वो स्मूथली वर्क करने लगेगा। लिंक अप्लाई करने के बाद आपने अपने बैक जाना है। यहाँ पे आपने चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपने चले जाना है ऐप मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। आपने ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप सेटिंग का, ठीक है, या ऐप मैनेजमेंट के नाम से होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को देखना है, सर्च करना है इंस्टाग्राम। ये देखें जी हमारा इंस्टाग्राम है, हमें मिल गया है। यहाँ पर जाने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो इंस्टाग्राम को जो है वो आपने एक्सेस दी होनी चाहिए, तमाम उसको परमिशन देनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यार देख सकते हो आपके, मैंने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को जो है वहाँ परमिशन यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इन सेटिंग को तमाम को अप्लाई कराओगे जैसे ही, तो आपका इंस्टाग्राम जो है वो डेफिनेटली वर्क करने लगेगा। थैंक्स। अगर आपको ये प्रॉब्लम पहले देखने को नहीं मिली, अभी आ रही है, तो ये एक बग होता है जो कि इंस्टाग्राम ने खुद ब खुद ही रिजोल्व कर दिया जैसे आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेगा। तो क्या करना है, आपने गूगल में चले जाना है। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है डाउन डिक्टेटर के नाम से, ठीक है, डाउन डिक्टेटर। यहाँ पर देख सकते हो कि आपको आगे आपने इसको सिंपल से सर्च कर लिया। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में कि कौन सा सोशल मीडिया का ऐप इस टाइम पर हाई पे है, कौन सा डाउन है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो मेरा यहाँ पर कुछ इंटरनेट का मसला आ रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर चले जाओगे तो आप कुछ एक ग्राफ की सूरत में बता दिखाया जाएगा कि अभी इंस्टाग्राम यहाँ पर डाउन है या हाई पे है। तो अगर आपको कुछ ऐसा बग देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कुछ इस तरह से चलने लगेगा। एंड मैंने अभी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, तो आपकी भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।